इंदौर में 28 से 30 अप्रैल तक मध्य प्रदेश ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा और इसी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए आज सुपर बाइक और सुपर कार रैली निकाली गई। यह कार रैली शाम 4 बजे नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ हुई, जो कि विजयनगर होते हुए सुपर कॉरिडोर ऑटो शो स्थल पर समाप्त हुई। इंदौर की सड़कों पर सुपर बाइक्स और कारों की कतार, सुपर कार और सुपर बाइक रैली का किया आयोजन। नेहरू स्टेडियम से सुपर कॉरिडोर तक निकाली रैली। 28 से 30 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो का होगा आयोजन। अट्ठाईस से 30 अप्रैल तक इंदौर की रंगत कुछ बदली सी होगी, क्योंकि शहर में पहला ऑटो एक्सपो आयोजित होने वाला है। इसके लिए सुपर कॉरिडोर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए एयरपोर्ट से पीतमपुर मार्ग पर 4 वातानुकूलित डोम भी बनाए जा रहे हैं और इन्हीं तैयारियों और शहर की जनता में प्रचार के लिए आज सुपर कार और सुपर बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्रदेश के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि इस ऑटो एक्सपो इंदौर के आसपास एक बड़ा ऑटो सेक्टर डेवलप करने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे लोगों और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी ऑटो एक्सपो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर की बात करें, तो आज से जो 3 साल पहले फॉर्च्यूनर मिलती थी वो 35 लाख की मिलती थी, आज वही गाड़ी 50 लाख की मिलती है और उसमें फ़ीचर्स और कम हो गए हैं, उसकी पावर और कम हो गई है, क्योंकि फॉरेन में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इक्विपमेंट्स पे टैक्सेस इतने लग रहे हैं कि गाड़ी इंडिया पहुँचते पहुँचते बहुत महंगी हो गई है। वही गाड़ी उससे कम फीचर्स वाली गाड़ी डबल रेट के आसपास में मिलने लगी है, तो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करें ये बहुत ज़रूरी है। निसंदेह इससे सब लोगों को सस्ती गाड़ियाँ भी मिलेंगी और हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ऐसी सोच है, हमारे युवा और डायनामिक मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ऐसी सोच रखते हैं और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज पहली बार कभी भी कोई गवर्नमेंट फंक्शन ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचा नहीं था, ऐसे फंक्शंस स्पेन और वहाँ पर होते हैं, मतलब इस तरह का उत्साह लोगों में देखने में आता है। मगर आज पहली बार मुझे जो परिवर्तन हम लोग मोदी जी के आने के बाद, शिवराज जी के आने के बाद, दत्तीगांव जी जैसे लोगों के आने के बाद उम्मीद कर रहे थे, वो आज देखने को मिला। मुझे बहुत खुशी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पीतमपुर का ये जो मेगा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं माननीय मंत्री जी, ये बहुत सफल होगा, हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और हमारे मध्य प्रदेश में गाड़ियां बहुत सस्ते दामों में मिलेगी। हम पहली बार मध्य प्रदेश में ऑटो शो करने जा रहे हैं, ये उसका कर्टन रेजर था। आज हमारे पास में नेटरिक्स की ऑटो टेस्टिंग फैसिलिटी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है और विश्व में 5वें नंबर की फैसिलिटी है। हमने करीब करीब 3,200 एकड़ ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए दी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि हम उसको थोड़ा हाईलाइट करें, पूरे विश्व को और देश को पता लगे कि हमारे पास बेहतरीन सुविधाएं हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का हब मध्य प्रदेश बने, एंसिलरी यूनिट्स आएँ, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करें, B2B मीटिंग्स हो। एक प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश प्रोवाइड कर रहा है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो आए यहाँ पे और निवेश करें और सबको इस अवसर पे इस बात की जानकारी मिले कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र करने के लिए। निश्चित तौर पे इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और पीतमपुर और आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के और आने की संभावनाएं प्रबल होगी। सर, हमने ऑटो शो जो देखा है आज, देखिए 28 से 30 तक मध्य प्रदेश का पहला ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
इसका मेन एम ये है कि हमें एमपी को एज ए डेस्टिनेशन बनाना है कि बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आएँ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें और एक ऑटोमोबाइल का इकोसिस्टम डेवलप हो। इसको लेके हम लोग अलग अलग स्तर पे इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये इवेंट एक कर्टन रेजर है जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और इंदौर में ख़ास तौर से इस तरह की सुपरकार उपलब्ध हैं और एक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक शहर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी हो सके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अट्रैक्ट हों। 28 से 30 तारीख तक भी लगभग देश विदेश की सभी प्रतिष्ठित ब्रांड यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और उनके गाड़ियों का डिस्प्ले रहेगा, और साथ ही साथ नेट ट्रैक्स में जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैक्स हैं वहाँ पर सुपर कार्स और सुपर बाइक्स की रेसिंग लगातार 3 दिन तक चलती रहेगी। अलग अलग आपको एडवेंचर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑटो एक्सपो में इंदौरी जायकों के लिए फूड कोर्ट भी रहेगा और जनता का प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क होगा। इसके साथ ही इस आयोजन में जानी मानी कंपनियों के 60 से अधिक वाहनों का प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।